साधी जी, अभी इस समय माहौल पूरा राम में है, लेकिन इस सब के बीच में देश में कुछ लोग हैं जो कि माहौल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं और मंदिर को लेकर के तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, कि 20 से 25 तारीख तक सफ़र मत कीजिएगा, कोई अनहोनी हो सकती है। आज ही एक स्टेटमेंट आया है कि बम विस्फोट तक कराया जा सकता है। देखिए राहुल जी, इस देश के अंदर अयोध्या आंदोलन से लेकर आज तक कुछ विरोधी स्वर हमेशा ही इसके विरुद्ध बोल चलते रहे। भारत की भावनाओं को, भारतीय जनमानस के मन को नहीं समझा गया। वो तुष्टीकरण की राजनीति थी या संकुचित विचारधारा थी। भारतीय जन के मन में राम बसते हैं, वो भारतीयों का अपराजित पौरुष हैं, वो सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। हमारे जीवन में बहुत दोपहरी आती हैं दुखों की, और जब दुख की दोपहर हमें जलाती है तब श्री राम के नाम का आधार ही हमें शीतलता देता है। दूसरी बात यह है कि सब में राम, मेरे राम, आपके राम, और उस राम में रमने वाले भारत को नहीं समझा गया, उसके कारण विरोधी स्वर आसमान छूने लगे। लेकिन उसके बाद एक व्याकुलता, एक तड़फ, एक अंदर से ऐसा संकल्प कि ये अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आप देखो किसने किसके प्रति कोई विद्वेष भाव रखा। लेकिन राम मंदिर के विरुद्ध बोलना, ये मैं समझती हूँ परम सत्ता के विरुद्ध बोलना है। आप देखो ना, कोई संगठन, कोई पार्टी इतना बड़ा आयोजन कर सकती है? ऐसी हृदय की प्रसन्नता, ऐसी प्रमुदिता, मुझे उन स्वरों की फिक्र नहीं है राहुल जी, क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड नहीं होगा ना तो सफेद खड़िया भी कभी प्रकट होती नहीं है। क्या आप ये कह रही हैं कि ये एक पार्टी का आयोजन है ये? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ये ना राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के संतों की आज्ञा से प्रारंभ हुआ था। फिर ये आंदोलन ना संगठन का था, ना पार्टी का था, फिर ये आंदोलन जन आंदोलन था, क्योंकि ये राम जी के लिए था। और राम जी का सारा भारत है। भारत ना पार्टियों में बटा है, ना भाषाओं में बटा है, ना प्रांतों में बटा है। ये एक दुष्प्रचार था जो राम के नाम ने इस सारे प्रचार, दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ निशांत, राम नहीं है नारा, वो भी सांस है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों। इसलिए एक और बात कहना चाहती हूँ, राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को निशांत, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को, राम मिले हैं वनवासों में तटों में, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के। दीदी, बात राम मंदिर निर्माण से शुरू हुई, फिर राम राज्य की वापसी पर आई, अब हिंदू राष्ट्र पर आ चुकी, क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित रूप से ये भारत तो स्वाभाविक ही हिंदू राष्ट्र है निशांत। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव। आप जानते हो अच्छी तरह की विश्व के अंदर अपने मत मतांतरों को लेकर जिन्होंने सारी दुनिया में मार खाई, अपमान झेला, भारत की धरती ने अपने आंचल की छाया देकर उन्हें कहा कि तुम स्वतंत्र हो अपने आराध्य को पुकारने के लिए। क्योंकि भारत ही वो विचार है जो सारी चराचर सृष्टि में एक ज्योत का दर्शन करता है, एक भाव को देखता है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक में एक ही परम सत्ता का दर्शन करता है। ये भारतीय विचार है जो शैया से नीचे उतरने से पहले धरती को प्रणाम करके कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादिस्पर्शम क्षमस्व में माँ, तू मेरी माँ है, मैं तुझ पे पैर रख रहा हूँ, मेरी धृष्टता को क्षमा कर देना। ये भारतीय विचार है, ये हिंदू विचार है कि यहाँ की स्त्रियाँ जब सैर करने जाती हैं
तो आधे टूटे चावल और चीनी मिला के ले चलती हैं ताकि मार्ग में चींटियों के घर मिलेंगे तो उनकी भी भोजन की व्यवस्था करनी है। निशांत, ये भारतीय हिंदू सनातन है जहाँ पहली रोटी गाय की बनती है और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है। ये वो धरती है जो सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्रों का जाप करती है। निशांत, हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं और यहाँ तक कि आसमान का नक्षत्र भी बचपन में देखते हैं तो कहते हैं माँ ये कौन है, माँ कहती है वो तेरा चंदा मामा है, हम रिश्तों का भारत है। इसलिए ये हिंदू विचार है, ये सनातन विचार है, ये भारतीय विचार है। क्या हिंदू राष्ट्र में सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी उसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल, यहाँ ये भारत, मैं तो ये मानती हूँ कि सब यहाँ भारतवंशी हैं। आपका कोई पंथ हो, आपका कोई संप्रदाय हो, आप चाहे सुमरो निशांत, कोई सुमरे या विसरादे, कोई हो जाए सन्यासी या कोई संसार बसाले, मुझसे दूर कहाँ भागेगा, चाहे सुप्त रहे या जागे, देखो वो संगीत उठा तो मेरे लिए निरुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। ये भारतीय विचार। राम पर मैं वापस आता हूँ, राम किसके हैं, क्या सिर्फ राम हिंदुओं के हैं? राम सबके हैं, जो राम का है राम उसके हैं, जो खिड़की खोल लेगा अपने कक्ष की सूर्य उसके भीतर प्रवेश कर जाएगा, इसलिए राम पे कोई दावा नहीं कर सकता। हाँ, राम पे जो दावा करता है ये मेरे हैं, राम उनके हैं, इसलिए ना राम जातियों में बटे ना राम संप्रदायों में बटे, और पार्टी को तो बिसात ही नहीं कि वो राम पे कब्जा कर ले, जो राम का है राम उसके हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया, कौन सी पार्टी कब्जा कर रही है? नहीं, कोई कहता ना मेरे नहीं रह गए फलाने ने, भारतीय जनता पार्टी ने राम जी पे कब्जा कर लिया, लोग कहते हैं तो राम जी कोई वस्तु है क्या, कोई पदार्थ है जिस पर कोई कब्जा कर लेगा? अगर आप राम के होने का प्रमाण मांग रहे हैं तो इसका मतलब आपने राम को खो दिया है। तो राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, सभी के? सभी के, जो उनको अपना मानता है उनके। और यहाँ तक कि आप देखिए, हम उन राम के चरणों का अनुसरण करते हैं कि राम का विरोध करने वाले रावण जब धरती पर गिरे होते हैं ना, अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही होती है ना निशान, तो लखन को कहते हैं जाओ, भूमंडल का लोक नायक विदा हो रहा है, उससे जाके कुछ प्राप्त कर लो, उसके पास भी कुछ विद्या है। इसलिए राम तो वो हैं जो शत्रु में भी गुण देखते हैं, उपकारी को भूलते नहीं और अपकारी को याद नहीं करते, इसलिए राम के भक्तों का चित्त भी इतना ही विराट है। तो फिर जब राम सबके हैं तो राम मंदिर को जीत की तरह क्यों दिखाया जा रहा है, राम मंदिर को ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है जैसे राम मंदिर का निर्माण होना किसी एक की जीत है और किसी एक की हार? नहीं, किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं, संकल्पों की पूर्ति है। एक जिद्द जो राम जन्मभूमि के विरुद्ध लोगों की रही, उनको लगता होगा कि वो पराजित हो गए, राम के चरणों का अनुसरण करने वाला वो जीतता या हारता नहीं है, वो जीत और हार से बहुत परे होता है निशांत, वो सुखी दुखी नहीं होता, वो परमानंद में होता है। और आपको पता है कि वो कहते हैं ना, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, हर समय परमानंद में रहना। और परमानंद जीत हार से नहीं मिलता, जीत हार से ऊपर उठ जाओ तब प्राप्त होता।